ब्रज के परम आराध्य पर्वत आदि बद्री व कंकाचल पर्वत की रक्षा के लिए ब्रज पर्वत एवं पर्यावरण संरक्षण समिति अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री सानिध्य में उपखंड के गांव पसोपा से शुरू हुई क्रांति यात्रा डीन पहुंची, जहां कस्बे के प्रीतम दास मंदिर में साधु संत नगर भ्रमण करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार को ब्रज के पर्वतों पर हो रहे अवैध खनन रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समिति अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने बताया कि नगर व पहाड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले आदि बद्री व कंकाचल पर्वत, जिन्हें श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं बनाया था, उन पर्वतों पर भूमाफिया विगत कई वर्षों से अवैध खनन कर खोखला कर रहे हैं, जिनकी रक्षा के लिए संत समाज व क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा 16 जनवरी 2021 से आंदोलन भी किया जा रहा है। वहीं समिति अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री के पूर्ण आश्वासन के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम तो आपके गरमा को कहीं गिराना नहीं चाहते अभी तो हमारे ही हो, ये तो एक व्यवस्था है। सत्य ये है कि शासन प्रशासन खनन माफियाओं के हाथ की कठपुतली है, क्योंकि इनको क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि सत्य क्या है। हम क्या अपने इनके लिए पैसे मांग रहे हैं, क्या धन मांग रहे हैं या रोजी रोटी मांग रहे हैं? ब्रज की संपदा किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये समस्त ब्रजवासियों की संपत्ति है, और इसको लुटवा रहे हैं कौन? ये शासन प्रशासन लुटवा रहा है। आज ये ब्रजवासी दुखी हैं, आंदोलन के लिए तैयार हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि ये प्रशासन केवल खनन माफियाओं के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। इतना पैसा है, एक सोनी है, अनाप शनाप धन लुटाता है। उस धन का भार इतना है कि उनको ब्रजवासियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। यही कारण है हम लोग आज यात्रा लेके आए हैं। वी एल सोनी पुलिस का प्रशासक बना हुआ है जयपुर में। वो समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश देता है कि आप लोग जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करिए जो खनन बंद कराना चाहते हैं, और खनन माफियाओं के साथ सहानुभूति बढ़ती जा रही है, तो इसके हम खिलाफ में हैं। एंटी करप्शन का डीजी और खुद भ्रष्ट है, और हम लोग पूरी शक्ति से, यही नहीं, हम तो केवल अभी एक नियम के अंदर आबद्ध होकर के काम कर रहे हैं, अन्यथा ऐसी स्थिति पैदा होगी कि लाखों लोग होंगे, एक एक लाख लोग लेकर के हम दिल्ली गए यमुना आंदोलन में, तो हम यहाँ ऐसी परिस्थिति भी पैदा कर सकते हैं कि शासन को लेने के देने पड़ जाएंगे।